Hello dear students, today we are starting with class 4 science, my living world of class 4. Today we are going to start our first chapter, that is chapter number 1, my body. I'll read it and then I'll explain you sentence by sentence. एक एक लाइन को मैं अच्छे से आपको explain करूँगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. उसके बाद भी अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत आती है, इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी टिपिकल वर्ड और एनी सेंटेंस, यू कैन कॉमेंट मी. कॉमेंट को मैं हमेशा रीड करती हूँ, उसको रीड करके मैं आपको आंसर बताऊँगी कि आपको जो भी डिफिकल्टी है आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट फ्रॉम माई एंड. लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 1. माई बॉडी. In our previous class, we have studied about the different sense organs of our body. हम previous class में, यानी कि इसके पहले जो हमारी class थी, इसके पहले हमारी कौन सी class थी? We were in class 3 में थे. तो class 3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने sense organs के बारे में पढ़ा था. किस में? हमारे chapter number 1 में. Okay? तो उसमें हमने sense organ के बारे में पढ़ा, जो कि क्या, कौन कौन से sense organs थे? Like tongue, ears, skin, nose and eyes. All these parts can be seen from outside and are known as external organs. ये जो भी body parts हैं, जैसे कि tongue है, ears, skin, nose और eyes है, ये सारे body parts हमें बाहर से दिखाई देते हैं ना. और इन्हें जो भी body parts हमें बाहर से दिखाई देते हैं, ना ही कि सिर्फ sense organ हमारे हाथ, पैर, हमारा सिर, हमारे बाल, आईब्राउज और फिंगर्स, ये जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे बाहर से दिखाई देते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. ओके ओके. एंड देयर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड cannot be seen from outside. Such parts are called internal organs. देखो, बहुत से body parts ऐसे हैं ना जो हमारे अंदर हैं. अंदर तो आप जानते हो ना, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को पता है because you are in class 4 और ये knowledge तो आपको होगी ही कि अंदर हमारे कुछ organs होते हैं जिन्हें internal organs कहा जाता है. ये बाहर से देख नहीं सकते हैं हम, ये अंदर होता है हमारे. जैसे कि देखिए, ये है आपका फूड पाइप, विंड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे अंदर होते हैं. इसके अलावा हमारे अंदर हार्ट होता है, लंग्स होता है, किडनी होती है, और भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना. तो ये इन सारे ऑर्गन्स को हमने क्या कहा? इंटरनल ऑर्गन्स. इन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाता है. ओके, नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स. आपको यहाँ पर नेम करने के लिए कहा है, यू हैव टू राइट सम नेम्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. यू कैन राइट लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी, स्टमक, एनीथिंग, वॉट एवर यू लाइक. कोई भी आप इंटरनल ऑर्गन का यहाँ पर अपनी पसंद से नाम लिख सकते हो. नाउ लेट्स सी, रीड दिस. आर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इट वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट. The organs form different system. One such system is the digestive system. The food, the mouth, food pipe, stomach and intestine are the different organs that make up the digestive system. देखिए, हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है बहुत सारे ऑर्गन्स से. हाँ, मशीन की तरह कैसे काम करती है? जब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए दिया हुआ है कि वन सच सिस्टम, एक सिस्टम का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, वो क्या है? वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे कि हमारा फूड का डाइजेशन होता है. हम खाना क्या करते हैं? खाना हम मुंह में डालते हैं और फिर वो मुंह से हमारे फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है, यानी कि हमारे पेट में जाता है, और वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और इस तरह से खाना हमारा एब्जॉर्ब होता है और वो काम होता है सिस्टम में, खाना एब्जॉर्ब करने का, खाने में न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने का. तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाता है, वो सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं.
ओके, उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से और भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, सिर्फ ये एक ही सिस्टम नहीं है, और भी सिस्टम्स हैं। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। What happened to the food that we eat? जो फूड हम खाते हैं वो फूड का आखिर होता क्या है, क्या होता है उसका? द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आपने पढ़ा ही है। जब हम डाइट के बारे में पढ़ रहे थे, फूड के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर कॉम्प्लेक्स मिनरल्स एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर फॉर्म इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और वो धीरे धीरे ब्रोक करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको बनाता है, धीरे धीरे उसको ब्रोक करके सिंपल फॉर्म में बनाता है, जिसके कि हम डाइजेस्ट कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें और उसको हम उससे हम एनर्जी पा सकें। उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें हजम होता है। हजम होने की प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो, ठीक है, जो हजम करता है। लेट अस सी हाउ आर माउथ विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम देखेंगे माउथ के बारे में, हम पढ़ेंगे कि माउथ जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है। यहाँ आप देखिए ये सबसे पहला पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो वो किस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, क्या काम करता है, इसको हम देखेंगे। माउथ, आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज और हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अपने फ्रेंड से कहें कि वो अपना मुँह खोले और आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पर तो अभी लॉकडाउन है, अभी तो स्कूल्स पूरी तरह से सारी स्कूल्स खुली नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, जो कोई भी प्रेजेंट होगा, आप उनसे कह सकते हैं कि वो अपना माउथ वाइडली ओपन करें और आप उनको ऑब्जर्व करें केयरफुली। या फिर आप ऐसा करें कि आप खुद गो एंड स्टैंड नियर द मिरर एंड ओपन योर माउथ। यू कैन लुक इन टू योर मिरर अबाउट योर माउथ। जो भी ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है वो सब आप देख पाएंगे उसी में। यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड अ टंग इन द माउथ। हमारे टीथ तो सारे एक जैसे नहीं है ना, ये तो हर किसी को पता है कि टीथ एक जैसे नहीं है। तो कितने टाइप्स के टीथ हैं वो हम देखेंगे। टीथ, माउथ में सबसे पहले टीथ है और एक टंग है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। टीथ में क्या है, टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर माउथ। टीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि टीथ से हम च्यू करते हैं, बाइट करते हैं फूड को, है ना, और ब्रेक डाउन करते हैं उसको। टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड, दे ऑल्सो गिव शेप टू आर फेस। आपने देखा होगा कि जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत बूढ़े होते हैं और जिनके दांत नहीं होते हैं, और दांत टूट जाने के बाद में उनका फेस आप देखिए कैसा दिखता है, बिल्कुल पिचका हुआ, एकदम दबा हुआ फेस दिखता है। लेकिन हमारे दांत है तो हमारा फेस को एक अच्छा शेप होता है, अच्छा शेप मिला होता है। और टीथ की वजह से हम क्लियरली बोल भी पाते हैं, जो भी हमारी लैंग्वेज होती है, जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो क्लियरली समझ में आते हैं और क्लियरली हम बोल पाते हैं, ये टीथ की वजह से होता है। अब टीथ में भी दो टाइप ऑफ टीथ होते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, है ना। एक पहला सेट होता है ना, जब एक न्यू बॉर्न बेबी को एक नया नया टीथ आता है, बेबी बॉर्न हो गया है, तो बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके पास तो टीथ नहीं होते हैं। उसके बाद जब उसका टीथ आता है, छोटा छोटा टीथ, उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ। फिर दूध के दांत धीरे धीरे टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं सबके। 6-7 ईयर्स के जब आप होने लगते हो तो आपके दांत टूटना चालू हो जाते हैं। जब आपके दांत टूटने लगते हैं तो आप उसके बाद जो भी दांत आते हैं उसको कहते हैं हम परमानेंट टीथ। क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। और आपका परमानेंट टीथ अगर एक्सीडेंटली कैसे भी टूट जाए तो फिर दोबारा और टीथ नहीं आएगा लाइफ में, क्योंकि वो ही परमानेंट टीथ था। नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। अ बेबी इज बॉर्न विथ नो टीथ। व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड, हिज हर टीथ बिगिन टू अपीयर। बाय द टाइम द बेबी इज 3 ईयर्स ओल्ड, ही शी हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ।
दीज आर टेम्पररी एंड आर कॉल्ड द मिल्क टीथ. कितने टीथ हो जाते हैं बेबी के पास? बेबी के पास हो जाते हैं 30 टीथ. कितने होते हैं? 30 टीथ होते हैं. और इस सेट को कहा जाता है मिल्क टीथ. और ये टेम्पररी होता है क्योंकि ये टूट जाता है. बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years, 6 से 12 years के एज में दांत टूटते हैं. द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाई वन एंड वन न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस. दिस न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. दे आर 32 इन नंबर. और इसके बाद परमानेंट टीथ आता है. और परमानेंट टीथ को हम वो कितने होते हैं नंबर्स में? वो होते हैं 32. नाउ टाइप्स ऑफ टीथ. अच्छा, टीथ तो एक जैसा होता नहीं है हमारे माउथ में, है ना. कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे नोकीले होते हैं, पॉइंटेड होता है ना. तो वो टीथ कौन कौन से हैं उसको चलिए देख लेते हैं. यहाँ देखिए टीथ का बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है. इसको देखकर आप आराम से समझ सकते हैं सारी डिटेल. तो चलिए रीड भी करेंगे हम और साथ ही साथ डिटेल को भी देखेंगे. टाइप्स ऑफ टीथ. फर्स्ट इज फ्लैट टीथ. सामने के जो हमारे दांत होते हैं वो फ्लैट टीथ होते हैं. चार नीचे और चार ऊपर दांत. ये देखिए, ये जो चार दांत नीचे के हैं और चार दांत सेम ऊपर के, ये फ्लैट टीथ होते हैं. बिल्कुल फ्लैट होते हैं. द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड. व्हाट डू वी यूज इट फॉर? वी यूज दैट टीथ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड. दे आर नोन एज इंसिसर. इन टीथ का नाम है इंसिसर. ये टीथ के नाम है इंसिसर. देर आर 4 इंसिसर इन द लो इन द अपर जॉ एंड 4 इंसिसर्स इन द लोअर जॉ. लोअर जॉ में 4 टीथ होते हैं इस टाइप के फ्लैट टीथ, जिनको हम इंसिसर भी कहते हैं. और अपर जॉ में भी 4 होते हैं. 4, 8 टीथ हो गए. नाउ सी द सेकेंड इज पॉइंटेड. सेकेंड टाइप क्या है? पॉइंटेड. ऑन ईदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज अ शार्प पॉइंटेड टीथ. देखिए ये आप खुद अपने टीथ को टच करके देखिए. जब आप ये चैप्टर को सुन रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और बता रही हूँ पिक्चर में, तो आप अपने टीथ को टच करके एक्सपेरिमेंट कर लीजिए. ये जो चार टीथ है, वो चार टीथ के बाद जो टीथ होगा ना, वो पॉइंटेड है. वो दोनों साइड है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ वो पॉइंटेड टीथ आपको मिलेगा. ऑन द ईदर साइड ऑफ द फ्लैट टीथ इज अ शार्प पॉइंटेड टीथ. दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड. वो किस लिए यूज होता है? टीयर करने के लिए. फूड को टीयर करने के लिए यूज होता है. दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड एंड दे आर नोन एज कैनिन्स. इनको क्या कहते हैं? इनको कैनिन्स भी कहते हैं. देर आर 4 कैनिन्स इन ऑल. कितने कैनिन्स हैं? यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दो हो गया. और ऊपर भी इसी तरह से एक और ये एक, हाँ 4 हो गया. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ टीथ, दैट इज ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ. ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ में भी 2 टाइप के हैं अलग अलग. वो कैसे हैं? द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन देम. उनमें थोड़ा सा गड्ढा जैसा होता है ना, जिसमें कैविटी लगती है ज़्यादातर, उसमें ग्रूव्स होते हैं. एंड दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. दांत में हम क्या करते हैं? अंदर तरफ अपने खाने को ले जा करके खूब चबाते हैं, खूब ग्राइंड करते हैं. तो वो टीथ का काम है कि खाने को अच्छे से चबाएं और ग्राइंड कर दें, पूरा पीस दें. दे आर नोन एज प्री मोलार एंड मोलार. इन टीथ को प्री मोलार और मोलार कहा जाता है. There are 8 premolars in all, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw next to the canines. देखिए ये जो pointed teeth है ना canines, ये canines के बाद के जो ये 2 teeth होंगे ना, ये दोनों premolar हैं. और ये तीनों molar हैं. यहाँ पर भी ये दोनों premolar हैं और ये तीनों molar हैं. यहाँ पर देखिए 2 premolar, 2 premolar, 4 हो गया और ऊपर 4, 8 हो गए. कितने हैं? देर आर 8 प्री मोलार्स इन ऑल एंड देर आर 12 मोलार्स इन ऑल. यहाँ पे 3, 3, 6 और ऊपर 6.
ऊपर जितने दांत हैं नीचे भी उतने ही दांत हैं, सेम नंबर ऑफ टीथ, गॉट इट? 16 प्लस 16 इज 32. नाउ सी, 6 इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी गिवन. एक्टिविटी इज काउंट द नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ एंड दोज ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. आपके माउथ में कितने टीथ हैं और आपके पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स के कितने टीथ हैं, आप उसको काउंट कीजिए. ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है. इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने दांत अभी बाकी हैं आने के लिए और आपके पेरेंट्स के कितने दांत हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के कितने दांत हैं. नाउ लेट्स रीड अबाउट केयर ऑफ टीथ. आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम. इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे कैन डीके एंड फॉल. अगर हम टीथ का प्रॉपरली ध्यान ना रखें तो क्या होगा, टीथ डीके हो जाएगा, टीथ खराब हो जाएंगे और खराब होने के बाद, सड़ने के बाद दांत टूट जाएंगे. वेज टू प्रोटेक्ट टीथ. टीथ को प्रोटेक्ट करने के कितने वेज हैं, इसमें से मुझे लगता है कि सारे सारे ही वेज आप जानते होंगे. एक तो क्या है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, जो कि हम जब से हमारे दांत हुए हैं तब से हमने ये जाना है कि हमें दो बार दिन में ब्रश करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग और एक नाइट सोने से पहले. रिंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील. खाना खाने के बाद कभी भी हमने कुछ खाया हो, स्नैक्स खाया हो, तो हमें कुल्ला कर लेना चाहिए. अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल. शुगरी स्नैक्स और स्वीट ज़्यादा ना खाएं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना खाएं, उससे दांत खराब होते हैं. ये स्वीट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दांत में रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे कैविटी होने लगती है. नंबर फोर इज विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप. रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए हमेशा डेंटिस्ट को विजिट करें. फाइव इज ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश एंड कैरेट. सच फूड गिव एक्सरसाइज टू योर गम्स. हमारे जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, ये जो मसूड़े होते हैं ना जो दांतों को पकड़े हुए हैं, इनको एक्सरसाइज देता है. एप्पल और गुआवा खाते हैं तो उसको हम चबाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो गम्स को एक्सरसाइज मिलती है, एक्सरसाइज हो जाती है. नाउ सिक्स इज, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स. जो भी जर्म्स हमारे टंग में मौजूद हैं उनको हमें ज़रूर साफ करना चाहिए. हमें ब्रश करते हैं लेकिन टंग को साफ करना भूल जाते हैं, ये मस्ट है. नंबर सेवन इज ईट कैल्शियम रिच फूड. जो भी फूड हम खाएं, कोशिश करें कि हम कैल्शियम रिच फूड खाते हों, जैसे कि एग. इफ़ यू डोंट ईट एग, मिल्क खाइए. मिल्क और मिल्क के बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, दे मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग. दे सी द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज शोन थ्रू द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस. ये देखिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया किस तरह से आपको साफ करना है दांतों को, सामने से, फिर यहाँ अंदर से, फिर ऐसे ऊपर ऊपर से भी और अंदर तरफ. ये जो अंदर तरफ है ना, ये सब भी अंदर तरफ भी हमें पूरी अच्छी तरह से साफ करना चाहिए. ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट, देन ब्रश अप एंड डाउन द बैक. ऑलवेज ब्रश द टीथ विद अ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन से हाथ को ऐसे ऐसे नहीं घसना है, सर्कुलर मोशन से हाथ को घुमाते हुए घसना चाहिए. डू यू नो इफ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग, दे कैन कॉज टूथ डीके. द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनैमल. दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनैमल. खाना रात में खाना खाने के तुरंत बाद हमें ब्रश नहीं करना चाहिए. गर्म खाने के बाद कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए. यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. हाफ एन आवर रुक जाए उसके बाद ब्रश करें. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टंग. माउथ के हमारे दो पार्ट थे, एक था टीथ और सेकेंड है टंग. तो हम टंग के बारे में अब रीड करेंगे. टंग इज अ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इन साइड अवर बॉडी. देखिए, मैं जो भी आपके लिए रीड कर रही हूँ, साथ ही साथ एक छोटा सा वीडियो भी आपका चल रहा है साइड बाय साइड, उसको भी देखिए. यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, लिकिंग एंड स्पीकिंग. इट ऑल्सो पुशेज द फूड इन टू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग. जब हम स्वॉलो करते हैं, यानी कि जब हम निगलते हैं खाने को, खाना मुंह में लेकर के चबाने के बाद जब हम खाने को अंदर डालते हैं, निगलते हैं, तो टंग हमें हेल्प करता है खाने को अंदर डालने में. नासी, देखिए यहाँ पर मैं आपको वीडियो में
टेस्ट बर्ड्स भी दिखा रही हूँ कि टेस्ट बर्ड्स किस तरह से होते हैं. द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट. इट्स साइड्स आर सेंसिटिव टू सावर एंड सॉल्टी टेस्ट. द टिप ऑफ द टंग पिक्स अप स्वीट टेस्ट. ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास थ्री में. अलॉन्ग विथ टीथ एंड टंग देर आर थ्री पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लांस. सेलेवरी ग्लांस का जिससे हमें सलाइवा जैसे प्रोड्यूस होता है वो सेलेवरी ग्लांस है. प्रेजेंट इन द माउथ दिस ग्लांस सीक्रेट सलाइवा. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ. डाइजेशन फूड का कब चालू होता है? जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. Teeth help in breaking the food into smaller pieces and chewing it. Here the saliva get mixed with the food and makes it soft. Saliva क्या करता है? Saliva क्या करता है? वो food के साथ mix हो जाता है और food को बहुत ही soft बना देता है. Saliva एक आपके मुंह में जो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है उसको सलाइवा कहते हैं. खाना खाते हो तो मुंह से लार आने लगता है ना, उसको सलाइवा कहा जाता है. कुछ अच्छी चीज़ आप देखते हो, आपका फेवरेट डिश कहीं देखते हो या सुनते हो तो आपके मुंह से लार टपकने लगती है, वो सलाइवा है. सलाइवा कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर. जो भी हमने इनसॉल्युबल स्टार्च को खाया हुआ है, जो भी फूड हम खाते हैं वो सबको वो ब्रेक डाउन करता है. इनसॉल्युबल स्टार्च को वो सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन यू चपाती फॉर अ लॉन्गर टाइम इट स्टार्ट टेस्टिंग अ लिटिल स्वीट. अगर आपने ये चीज़ को ऑब्जर्व नहीं की है तो आप करें. चपाती ले लें एक टुकड़ा और उसको खूब देर तक चबाते रहें. कुछ देर के बाद आपको जो आपने चबा रहा है ना उसमें स्वीट टेस्ट आने लगेगा, थोड़ा सा मीठा मीठा लगने लगेगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट था ना, जो कार्बोहाइड्रेट था ना, उसको सलाइवा उसमें मिक्स हो करके ना उसे शुगर बना देता है, जो ग्लूकोज होता है इनसॉल्युबल सॉल्युबल शुगर बना देता है, इसीलिए वो स्वीट लगने लगता. दिस इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा इन आर फूड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फूड को प्रॉपरली च्यू करें. द नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक. फूड हमने पहले माउथ में डाला, फिर माउथ से वो फूड पाइप में चला जाएगा और फूड पाइप से वो स्टमक में एंटर करेगा. एंटर्स द स्टमक. द स्टमक इज अ मस्क्यूलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यू आवर्स. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फूड स्टोर किया जाता है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फूड के साथ जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, जो भी जैसे टंग हमारा सलाइवा सिक्रीट कर रहा है ना सलाइवरी ग्लैंड से, उसी तरह से स्टमक में स्टमक की वॉल्स में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है. स्टमक का जो वॉल्स है, जो स्टमक जो बैग है ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके जो वॉल्स हैं वहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और वहाँ पर भी फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है ना. और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. From the stomach, the food is passed into a long and coiled structure called the small intestine. Small intestine में जाता है और the small intestine, the liver and the pancreas produce some more digestive juice. Small intestine, liver और pancreas क्या करते हैं? ये भी कुछ digestive juice produce करते हैं. Liver and pancreas pour their juice into the small intestine. Liver और pancreas क्या करते हैं? अपने उन्होंने जो भी जूस बनाया ना, जो भी जूस क्रिएट हुआ है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं और ये सारे जूस एक जगह मिक्स हो करके ना फूड में मिक्स हो जाते हैं और इससे क्या होता है, खाना पूरी तरह से कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट टू ब्लड. जो भी फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ब्लड में सप्लाई कर देता है, ठीक है. एंड ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को
हर पार्ट में ले जाता है। फूड अभी फूड की ही तरह नहीं है जो आपने खाया, अगर आपने चावल खाया तो वो चावल की ही तरह नहीं है, उसमें इतनी सारी प्रोसेसिंग्स होती हैं कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स पास ऑन होते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो फूड सारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी वो अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें जो भी पानी था उस पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पानी को वो ब्लड में सप्लाई कर देता है, और अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है। रेक्टम एक पार्ट है, वो रेक्टम में कलेक्ट होता है और लास्ट में वो एनस के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि हमें हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। हाँ, ये प्रोसेस तो सबके लिए नोन प्रोसेस है कि खाना हम खाते हैं, खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो फिर हमारी बॉडी से निकल जाता है। व्हाइल ईटिंग फूड इट इज़ वेरी असेंशियल टू सी व्हाट शुड बी ईटन एंड हाउ इट शुड बी ईटन। देखिए क्या खाना है, कैसे खाना, कितना खाना, बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। और क्या करना चाहिए, हमेशा हमें हाथ धोकर खाना चाहिए, खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए, खाने के वक्त बात नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हो, बैलेंस डाइट लें और फिक्स्ड इंटरवल पे खाना खाएं। ये नहीं कि कभी भी हम खा रहे हैं या फिर ऐसा हुआ कि हमने सुबह खाया और दोपहर में खाना ही नहीं खाया, स्किप कर गए और फिर हम शाम को खा रहे हैं, ये इंटरवल सही नहीं है। एक फिक्स्ड इंटरवल हो, फिक्स टाइम हो खाने का। एंड ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें सिर्फ खाना ही नहीं है, खाने के साथ साथ पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल, इट किल्स जर्म्स दैट मे प्रेजेंट इन द फूड। इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड, अच्छा क्लीन और फ्रेश फूड क्यों खाना है, क्लीन और फ्रेश फूड खाएंगे तो फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे ना, वरना क्या हो जाएगा। अनवॉश फूड्स और वेजिटेबल्स क्या क्या करते हैं, वो जर्म्स कैरी करते हैं डिजीज वाले, जिससे कि हमें डायरिया, वोमिटिंग और भी कुछ बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा वॉश्ड और क्लीन फूड्स खाएं। अनवॉश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सिर्फ कभी कभी क्या होता है ना, वो वर्म्स के एग भी कैरी करते हैं और ये एग्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं सकते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो साफ़ सुथरा है, इसको खा लो, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। व्हेन दीज एग्स रीच द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग, मीन्स आर इन आर स्टमक, व्हेन इट रीच दे हैच देयर एंड प्रोड्यूसेस वर्म्स, और फिर हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। एंड दीज वर्म्स लीव इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और फिर हम जो भी खाना खा रहे हों वो सारा वो खाना खाने लगते हैं। एंड और जो हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं, अनहेल्दी दिखते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा खाना तो जर्म्स ने खा, वर्म्स ने खा लिया, जो भी वर्म्स हमारे पेट में, जो भी कीड़े हमारे पेट में हो गए हैं, और फिर हम अनहेल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी हेल्थ पुअर हो जाती है। सो सी डज दिस पिक्चर लुक गुड, डू दिस फूड अट्रैक्ट यू, इट विल नेवर अट्रैक्ट यू। वेन एवर यू सी ए फूड लाइक दिस, इफ इट इज़ योर होम ऑल्सो, जस्ट वॉश इट एंड ईट। पील्ड एंड कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर एक्सपोज टू फ्लाइज एंड डस्ट लाइक दिस कैन ट्रांसफर जर्म्स इन टू बॉडी एंड दस मे कॉज डिजीज सच एज जॉन्डिस, कोलेरा एक्सेट्रा। एंड कुक्ड फूड वेन लेफ्ट अनकवर्ड रखा जाए या अनरेफ्रिजरेट किया जाए, गर्मी के दिनों में से बहुत देर तक छोड़ दिया जाए, तो उससे क्या होता है, खाना ख़राब हो जाता है ना। कैन ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग, अगर वो खाना हम खा लेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स गेन गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द फूड। द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस, इट प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस विच कैन कॉज वोमिटिंग एंड डायरिया। It is very important that a person suffering from diarrhea and vomiting should be given plenty of boiled water. Boiled water को ठंडा करके और उसमें एक
शुगर और सॉल्ट का थोड़ा सा मिला करके, थोड़ा सा अमाउंट मिला करके हमेशा देना चाहिए जब कभी भी किसी को वोमिटिंग या डायरिया हो रही हो, क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया में क्या होता है ना, हमारे बॉडी का पानी और सॉल्ट शुगर सब चला जाता है, वी फील वेरी लो। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें या तो ग्लूकोज पीना चाहिए, इलेक्ट्रोल पाउडर पीना चाहिए, अदरवाइज पानी में थोड़ा सा शुगर और सॉल्ट डाल करके पीना चाहिए ताकि हम हाइड्रेटेड रहें। एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी।